तो जनाब आप लोगों ने देख लिया कि यार मेरी बर्थडे कितनी बुरी गुजर रही है, मेरी लिटरली वन ऑफ द वर्स्ट बर्थडे ये कहलाएगी। लेकिन यार एंड पे एक ट्विस्ट हुआ है और वो ट्विस्ट है अच्छा जी। तो अस्सलाम वालेकुम, तो यार मुबारक हो, मुबारक मुझे देनी चाहिए आप लोगों को। जी हाँ, आज है मेरा बर्थडे, तो जिन जिन ने अभी मुझे बर्थडे विश किया है ये वीडियो देखते वक्त, तो यार थैंक यू सो मच। खैर, तो आज का ब्लॉग इसी टॉपिक पे होने वाला है कि मैं अपने बर्थडे जो है वो इस बंद घर में कैसे मनाता हूँ, क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकते इस वबा की वजह से। खैर, आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आज मैं बनाने जा रहा हूँ मंडे की जो सीरीज है मेरी निकी की बात, उसका एक एपिसोड नंबर 2, क्योंकि यार मैंने सोचा है कि बर्थडे व्लॉग जो है वो मैं थोड़ा सा पूरा दिन का दिखाऊंगा, और इस वजह से आज मंडे है और आज ही मेरा बर्थडे है, तो मैंने पहले कहा कि पहले मैं निकी की बात की एपिसोड निकालूंगा, उसके बाद अगले दिन यानी ट्यूजडे को अपना व्लॉग डाल दूंगा, तो ये आपके सामने व्लॉग आएगा ट्यूजडे को। तो यार बहुत अच्छा टॉपिक चूज किया मैंने निकी की बात के लिए, जो कि है नमाज, कि नमाज में हम लोग रेगुलर कैसे हो। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि यार उसमें मैं 3 पार्ट्स में आप लोगों को वीडियो डिवाइड करने वाला हूं। पहले पार्ट में मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा कि मैं रेगुलर कैसे हुआ अपनी नमाजों में, दूसरे पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नमाज एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और बेस्ट एक्सरसाइज है, और तीसरे पार्ट में मैं आप लोगों को 3 या 4 टिप्स देने वाला हूं ताकि आप लोग भी रेगुलर हो सके। क्योंकि यार आमतौर पर इंसान जो है वो रमजानों में तो नमाज पढ़ता है, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता रमजान खत्म होते रहते हैं, ईद आने लगती है, आगे दिन चलते हैं, तो फिर बंदा जो है वो नमाजों को भूल जाता है। तो वो वीडियो आप लोगों के लिए इस वक्त मदद करेगी ताकि आप लोग जो है कंटिन्यू रख सके अपनी नमाजों। तो यार मैं वीडियो को पता नहीं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि यार वीडियो तो आ चुकी है हमारे चैनल पे, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी तो ऊपर लिंक आ रहा है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब चलते हैं उसकी शूटिंग की तरफ। फाइनली अब जाकर मेरा व्लॉग जो है वो शूट हो गया, और आप लोगों ने देखा कि मैं कैसे शूटिंग करता हूँ। शूटिंग तो होगी, अब चलते हैं एडिटिंग की तरफ। और फिर एडिटिंग के बाद आपके भाई ने क्या एंजॉयमेंट किए, मजा ही आ गया, इतना एंजॉय किया इससे पहले मैंने कभी अपनी बर्थडे पे इतना एंजॉय नहीं किया। तो यार इतना मजा आ रहा था कि यार मैंने ये सोचा ही नहीं कि मैंने व्लॉग भी बनाना है और हाथ में उठा के कैमरा को ऐसे भी करना है कि अस्सलाम वालेकुम, मैं पूरा भूल गया था, ब्लैकआउट हो गया था, क्योंकि इतना एंजॉय कर रहा था मैं सच में एंजॉय कर रहा था। म्यूजिक देखा आपने, सीरियसली अगर बताऊं तो मेरे साथ यही हुआ है, क्योंकि यार मेरी बर्थडे लॉकडाउन में आ गई है। यही तो जुर्म है ना मेरा, यही तो कयामत है। तो इसलिए यार मुझे माफ कर दे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। तो यार मजाक से हट के अगर सच में भी बात की जाए तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि यार मैंने सोचा था कि यार कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो कैमरा हाथ में पकड़ के मैं व्लॉग बनाना शुरू कर दूंगा, लेकिन यार एक तो कुछ इंटरेस्टिंग हो ही नहीं रहा था, बाकी सारे लोग जो थे वो फोन इस्तेमाल कर रहे थे घर में, मैं इधर बैठा एडिटिंग कर रहा था, एडिटिंग करते करते पूरा दिन गुजर गया, तो क्या बनाता। तो इस वजह से अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आज मेरे दिन में जो जो इंटरेस्टिंग हुआ वो आप लोगों को अपने मुंह के जरिए मुंह जुबानी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मुझे काफी लोगों ने विश किया, तो यार उनका थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने मैसेज किया था और मेरे पास नहीं पहुंचा, मींस मैंने उसे देखा नहीं या रिप्लाई नहीं किया, तो यार सॉरी, आप लोगों को भी थैंक यू। पहली चीज तो ये हुई कि मुझे बहुत सी विशेस आई और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि यार लोगों ने मुझे याद किया और मुझे बर्थडे विश किया। दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज हुई मेरे साथ वो था बर्थडे गिफ्ट। जी हाँ, परेशान हो रहे होंगे आप लोग कि यार लॉकडाउन था, घर पे तो कोई आया नहीं होगा, तो गिफ्ट कैसे मिला। ठहरे, मैं आप लोगों को बताता हूँ गिफ्ट कैसे मिला। तो यार मुझे मेरी छोटी बहन ने गिफ्ट दिया था और वो बड़ा स्वीट सा गिफ्ट था, वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। लेकिन यार उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि उसकी बर्थडे का भी व्लॉग हम लोगों ने बनाया था, तो यार अगर आप लोग देखना चाहते हैं, अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो ऊपर लिंक आ रहा है, आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, तब लॉकडाउन ही चल रहा था तो हम लोग बाहर भी गए थे। खैर, हमारे घर में जब भी किसी का बर्थडे होता है हम लोग जरूर बाहर जाते हैं और कुछ ना कुछ एंजॉयमेंट करते हैं, चाहे वो एक मार्केट क्यों ना घूमना हो, तो यार काफी मजा आता है और एंजॉय भी बहुत करते हैं। मगर इस वबा के चलते हम लोग कहीं बाहर तो जा नहीं सकते थे, इसलिए घर पे बैठे हुए। खैर बात कहां से कहां पहुंच गई, मैं आप लोगों को दिखा रहा था मेरी बहन ने मुझे क्या गिफ्ट दिया। तो यार ये देखे, ये मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट दिया है। मैं यार जो है गिफ्ट के पीछे नहीं जाता कि यार वो कितना बड़ा गिफ्ट है, कितना छोटा गिफ्ट है, कितना महंगा गिफ्ट है, कितना अच्छा गिफ्ट है। मैं देखता हूँ किस
मोहब्बत और किस प्यार और किस लगन से मुझे मिला है। तो यार उसने काफी मेहनत करके बनाया और ये देखिए दो दो कलर का इस्तेमाल करते हुए उसने लिखा हैप्पी बर्थडे हमाद भाई। अब इसको जरा खोल के आप लोगों को दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो ये एक और पेपर है जो कि अभी आप लोगों को मैं पढ़ के दिखाता हूँ और ये है जी कोकोमो। जी हाँ, वैसे जो मेरी बहन थी वो मुझे कोई बड़ा गिफ्ट देना चाहती थी मगर उस बिचारी के पास एक ही 5 रुपए वाला कोकोमो पड़ा था जो उसने अपने पैसों से खरीदा था, तो यार उसने वो मुझे गिफ्ट कर दिया। अब आप लोगों को दिखाते हैं पेपर में उसने क्या लिखा हुआ था। तो उसने लिखा है हैप्पी बर्थडे हमाद भाई, आई हैव गिफ्ट फॉर यू, आई विल गिव यू टुमारो। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि यार उसने सोचा हुआ था कोई बड़ा गिफ्ट देगी वो मुझे कल जाके, मगर यार मामा ने उसे कहा कि यार जो तुम्हारे पास है वो तुम दे दो, इस वजह से उसने मुझे कोकोमो उठा के दे दिया। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। तो यार क्या कोई बर्थडे केक के बगैर बर्थडे मानी जाती है? तो यार इस वजह से हम लोगों ने कहा, बेशक हम लोग इस घर में फंसे हुए मगर 5 बजे से पहले पहले लाहौर में दुकानें तो खुली होती हैं, इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि बाहर जाते हैं और बाहर से कोई केक पकड़ लाते हैं, मगर हमारी इतनी बुरी किस्मत है कि केक भी नहीं मिला, केक भी हाथ नहीं लग पाया क्योंकि यार उन्होंने कहा कि हमारे पास अब केक ही खत्म हो गए। खैर अब मैं 18 प्लस हो गया हूँ, जी हाँ 18 प्लस, मगर अंदर से फीलिंग नहीं आ रही कि यार बंदा 18 प्लस हो गया क्योंकि यार ये बर्थडे लगी नहीं रही। इससे पहले की जितनी भी बर्थडे थी वो तो यार बाहर जाके गुजारते थे मगर अब हम लोग फंसे हुए। तो इसीलिए मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ ताकि यार आगे जाके जब मैं बड़ा हूँ 20-25 साल का हूँ तो यार इसको दोबारा ऑन करके देख लूँ वीडियो को कि यार एक बर्थडे ऐसी भी थी जो मैंने पूरा घर पे रह के गुजारी। तो यार हम लोगों ने कहा केक तो नहीं हम लोग खा पाए लेकिन यार कुछ डिनर करना है रात को, इस वजह से हम लोगों ने कहा हम लोग खाते हैं मैकडॉनल्ड्स। मगर यार उसको जब ऑर्डर करने बैठे बड़ी ख्वारी हुई, बड़ी ख्वारी। इस वजह से हम लोग लेके आए पिज्जा, तो जरा उसके सीन्स चेक करें। तो जनाब आप लोगों ने देख लिया कि यार कितना बुरा दिन मेरे साथ गुजर रहा है, सिर्फ एक ही चीज अच्छी हुई है जो कि हम लोगों को पिज्जा मिल गया। लेकिन यार इसमें एक ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट है कि यार कहते नहीं अंत बुरा तो सब बुरा, इसी तरह हमारे साथ भी कुछ हुआ है क्योंकि यार आज अगला दिन है मेरी बर्थडे का और हम लोगों को केक मिल गया है। सो सॉरी अगर आप मेरी खूबसूरत सी आवाज को झेल नहीं पाए, आइए केक दिखाता हूँ। तो बस यार आज के लिए इतना ही था, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।